तो इस विंटर स्पीति की सीरीज़ में आपने देखा कि हम फर्स्ट डे दिल्ली से सरान आए एंड देन नेक्स्ट डे हमने चितकुल को एक्सप्लोर किया और उसके बाद हमने ताबो को अच्छे से जाना और अब आगे। तो अभी तो हम निकल रहे हैं काजा की तरफ, बीच में धांकर मोनेस्ट्री से पहले ही अगर कुछ होता है देखते हैं क्या क्या है, किस तरीके से अब आइटनरी चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब, थोड़ी नहीं काफ़ी ख़राब है, कल रात को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और जब थोड़ा होता है तो इसमें चलाने में फिसलने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलती है, ये इशू रहता है। टीम मेंबर्स हमारे कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, बहुत मज़ा आ रहा है, अभी तो पहली बार मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया स्पीति, फर्स्ट टाइम है नॉर्थ और काफ़ी मज़े आ रहे हैं। एंड दिस पर्सन, ये देखो ये बोल रहे हैं यहाँ से कूद के वहाँ जाते हैं, वो तो वहाँ से जाते हैं। इट्स बीन हाफ एन आवर और यहाँ रुके हैं अभी हम, कुछ लोग पानी वानी की तरफ खेलने गए और ऐसा है कि जो हमें यहाँ से हम धांकर जा रहे थे, यहाँ पर रोड कंडीशंस आप देख रहे होंगे बिल्कुल वाइट पड़ी हैं और स्किड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो शायद अब डायरेक्ट हम काजा जाएं और काजा के बाद देखते हैं अगर वहाँ से कुछ होता है तो आगे जाएंगे, वरना काजा में ही हमारा स्टे है, वहीं पे ही आज हमारा स्टे होगा और वहीं पे ही रुक जाएंगे। फ्रीजिंग फ्रीजिंग तो अभी ऐसा है कि रोड कंडीशंस नेक्स्ट लेवल है और यहाँ पे इधर क्या ही नज़ारा है, क्या ही नज़ारा है। जब काजा की तरफ जाते हैं बीच में रास्ता मिलता है और वहाँ पे एक वाटरफॉल आता है, लिंगती वाटरफॉल, चादर की फील देता है। और ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज जन्नत। ओ भाई, विंटर्स में स्पीति नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट। एंड लिंगती वाटरफॉल पे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोज़ एंड वीडियोज़ देखने को मिलेगी, जो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं। और इस प्यारी सी जगह को हम छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे एंड देन हमारा जाना धांकर मोनेस्ट्री में भी था, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा टफ था, इसलिए हमें धांकर मोनेस्ट्री कैंसिल करके डायरेक्ट काजा की तरफ ही जाना पड़ा। तो अभी गाड़ी यहाँ पे फंस चुकी है, ये पीछे स्किड कर रही है गाड़ी, हम इधर भी आ रही है, गाड़ी स्किड करती हुई, टायर देख रहे हैं, पूरी कोशिश। अभी ऐसे हम उस पे खड़े हैं बिल्कुल के काजा में, जस्ट काजा में एंट्री ली, बिल्कुल ऊपर को स्लोप एंड वहाँ पर हमारी गाड़ी फंसी, पूरी स्किड कर नीचे लेके आए हम एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे नहीं लगता कि हमने सोचा था कि उस जगह पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते भाई, कंडीशंस बहुत ख़राब है। ओके, तो अभी ऐसा है कि यहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये हाईएस्ट रिटेल पेट्रोल पंप है और अभी यहाँ से पेट्रोल वगैरह भरवा रहे हैं और फिर होम स्टे में चले जाएंगे। तो पेट्रोल पंप के जस्ट बाहर ही यहाँ पर आई लव स्पीति लिखा है एंड ये बहुत ही प्यारा लगता है। वो गाड़ी से लौटा मैंने, काजा पहुँचते ही हमने थोड़ा रेस्ट लिया और रात को काफ़ी सारा डांस किया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हेलो जी फ्रॉम काजा, और अभी बज रहे हैं 8 और हम रिवर साइड की तरफ जा रहे हैं काजा में। कल रात हम आ गए, काफ़ी हमने थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती करी और
लोग डांस वगैरह कर रहे थे और मैं तो जल्दी सो गया कल क्योंकि नींद आ रही थी काफ़ी। बाकी तो अभी काजा एक तरीके से बेस है यहाँ से बहुत सारी डेस्टिनेशंस का, जैसे लांगजा हो गया और की मोनेस्ट्री हो गया। यहाँ काजा इतना सुंदर है, बिल्कुल प्योर वाइट। और अभी शुक्र है कि स्नोफॉल वगैरह नहीं पड़ रही, लेकिन रात में तो काफ़ी थी। और अभी तो थोड़ी सी यहाँ पर जो दूसरी साइड है वहाँ पर काफ़ी सन निकला हुआ है, तो काफ़ी ओपन अप है। और स्पीति रिवर की तरफ जा रहे हैं मैं और हमारे लोकल और एक हमारी टीम मेंबर, लेकिन आई नेक्स्ट लेवल जा रहा है यार। अभी इधर पीछे रिवर साइड की तरफ जा रहे थे हम, और ऐसा है कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेल नहीं बनी हुई, इसलिए अब उतना नीचे तक नहीं उतर रहे और काफ़ी ऊँचे से आए हम ऊपर से। आज हम प्रॉपर की मोनेस्ट्री के लिए जा रहे हैं और चिच्चम भी होगा, और बाकी देखते हैं क्योंकि रोड्स कंडीशंस काफ़ी थोड़ी ख़राब है, स्लिपरी है और स्किड करती है। बाकी यस, आज तो फुल ऑन हम एनर्जी और फुल ऑन मूड में हैं कि भाई आज नेक्स्ट लेवल फ़ोटोज़ और वीडियोस लेनी है की मोनेस्ट्री से, और की मोनेस्ट्री भी दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो अभी होपफुली ये है कि लांगजा की तरफ निकल रहे हैं हम और चले जाएँ, वहाँ का रास्ता थोड़ा सा साफ़ हुआ है तो चेन वेन लगा के अब चल दें। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें निकलना था लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, सारे मेन अट्रैक्शन जो कि काजा से काफ़ी नज़दीक ही रहते हैं, तो ये सब एक दिन में भी कवर किए जा सकते हैं। एंड यहाँ के रोड्स बहुत ही सुंदर, आप एक दूसरी दुनिया में आ जाओगे, कुछ ऐसी फीलिंग आती है यहाँ पे आके। तो अभी ऐसा है कि बस 5 मिनट या 10 मिनट का रास्ता बचा हुआ है और फुली वाइट कवर्ड, और यहाँ से थारे गुजर रही हैं, नेक्स्ट लेवल लग रहा है भाई। और बस पहुँचते ही होपफुली कि हम वापस आए। लांगजा पहुँच चुके हैं और ये लांगजा बुक का बोर्ड, हम बस ऊपर चढ़ते ही चढ़ते लांगजा में एंट्री ले ली है, और अब लांगजा का जो वो स्टैचू है गोम्पा वो देखने के लिए जा रहे हैं। पी रहे हो लोकल टोंग, कुछ लोकल ड्रिंक है ये, टोंग थावा कुछ बोलते हैं इसको, बहुत टेस्टी है, अगर बहुत टेस्टी इसका अगर लिक्विड मिलेगा तो बॉम्बे लेके जाने वाला हूँ। ये हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब यू नो इनकी वजह से ही काफ़ी सारी फ़ोन की वीडियोस मेरी आ रही है। नहीं तो सब बस बाकी सारे तो अपनी बना रहे हैं, यही है बस। ओके, तो अभी हम पूरा लांगजा घूम वगैरह के आए, और अब ऐसा है कि हम कॉमिक जा रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी परेशानी हो रही है, यहाँ पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि 14,000 पे है, अब वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे जा रहे हैं। अभी हम कॉमिक पहुँचे हैं और यहाँ पे एक स्मॉल सा बोर्ड है, मतलब बोर्ड उस पर लिखा हुआ है कि हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, मतलब जो एक प्रॉपर रोड्स बनी है ना वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड यही है इसी गई। उस वैसे विलेजेस तो और भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर मोटरेबल रोड नहीं बनी हुई, लेकिन ये बनी हुई है, इसलिए ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह सब आ सकती हैं। और उसके बाद थोड़े से चलने के बाद ही हम जाते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे जो कि हिक्किम में है। ये सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है हाई एल्टीट्यूड वाइज, इससे ऊंची हाइट पे कोई भी पोस्ट ऑफिस पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो यही है पिन कोड 172114, लास्ट ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस। ओके, वी ब्रिज चिच्चम ब्रिज, और ये मतलब अब तक स्पेक्टिकल है, एशिया का सबसे बड़ा है कि ब्रिज की नहीं, और हाँ काफ़ी डेंजरस है, ऊपर भी लोग जाते हैं।
तो अभी सांस फूल रही है, लेकिन ऊपर पहुंच गया भाई। ऊपर से थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाऊंगा। थोड़ा गुस्से में है अभी हमारे प्रो अन्ना। कैसा लग रहा है भाई? ठंड बहुत ज्यादा। हाउ इज द फीलिंग? गुड। कैसे? ये हमारे लीडर बन गए हैं, ये इनकी बात मानते हैं सब, मेरी नहीं मानता कोई भी। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे को तो सिंगल नहीं निकलना। यहाँ पे अभी एक फूड ट्रक है, अभी तो बंद है, लेकिन यहाँ पे आके खा सकते हैं। और ये मस्त सी फीलिंग, फूड ट्रक्स एंड चिच्चा मिर्च। अब यहाँ से हम जल रहे हैं। तो अभी की मोनेस्ट्री के अंदर तो सब कुछ बंद था, एंड यहाँ पर पीछे व्यू आप देख रहे होगे, दिस इज वट स्पीति इज ऑल अबाउट। एंड क्या ही लग रहा है यार, ये क्या ही लग रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी राइट नाउ आई एम इन गाजा, और कल हमने ऑलमोस्ट जो सारी फेमस जगह है वो पूरी कंप्लीट कर ली, और अब हम कल्पा के लिए मूव करेंगे। और कल्पा बहुत ही सुंदर जगह है, और उसके बीच में एक और जगह आती है जो कि सुसाइड पॉइंट है। वहाँ से काफ़ी डेंजरस, नीचे से काफ़ी डेंजरस से व्यू आते हैं, मतलब खाई की तरह एक बहुत ज़्यादा। और अब ऐसा होगा कि हम यहाँ पे काजा में थोड़ा हमने यहाँ पे टाइम बिताया है, और अब यहाँ से वापस चले जाएंगे। थोड़ा दुख तो हो रहा है, बट हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल है काजा। और मतलब काजा में बहुत ज़्यादा मन करता है यहाँ पे और भी ज़्यादा रुके। और हमने काफ़ी कुछ नया नया खाना भी खाया, और एक सॉल्टेड टी जो कि बटर टी थी वो भी पी। और यहाँ पर ऐसा कुछ एक मीठा भी था जो कि सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा मैं, वो भी हमने ट्राई किया। ओके, तो अभी हम गिरमिथ होम स्टे में हैं, और ये यहीं के ओनर हैं, और ये बताएंगे कि यहाँ पे जो काजा में स्ट्रगल्स हैं और स्टे में स्ट्रगल्स जो आती हैं यहाँ पे रहते हैं, वो स्ट्रगल्स क्या क्या हैं, मतलब मेनली स्ट्रगल्स क्या क्या रहते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे इतनी ठंड में माइनस डिग्रीज में आप कैसे सर्वाइव करते हो, पानी का कैसे होता है, खाने का थोड़ा कैसे होता है, और बाहर से चीज़ें कैसे आती हैं मार्केट से भी अगर कोई लेके आ रहा है तो। और जैसे कि ये मार्केट से जो हम सामान लाते हैं ये हमें यहाँ अवेलेबल नहीं मिलता है, तो अच्छा। हमें नीचे से प्रोवाइड करना पड़ता है। हाँ। तो मार्केट में यहाँ मिल तो जाता है अवेलेबल, पर ये यहाँ पे हमें जो हर चीज़ खरीदनी पड़ती है, हर चीज़ उसका एक्स्ट्रा रहता है। एक्स्ट्रा होता है। और जैसे कि पानी है, पानी हमें बोर से वो करना पड़ता है। अच्छा, पानी गर्मी में हमारे को आ जाता है घरों में। हाँ। और सर्दियों में हमारे को उस बोर से करना पड़ता है। बोर क्या होता है, मतलब जैसे मान लो हैंड पंप उससे करना पड़ता है गुजारा। अच्छा, उससे करना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे हम रुक रहे हैं, तो जो रुकने वाले को है उसको मतलब पानी का तो हमें तो कोई इशू आया नहीं कुछ भी, और कोई भी गर्मी भी ऐसी कुछ कोई भी इशू नहीं आया। आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहोगे कि अगर किसी को कुछ पहले से ही सोच के आए कि ये स्ट्रगल होने हो सकता है? हाँ, जैसे कि हाइट का इशू तो रहता है। हाइट का इशू है ये। हाँ। जैसे कि पर कुछ लोग जैसे कपड़े गर्म नहीं पहनते हैं। हाँ। उसको लिए वो करके जैसे ना। और आपने बताया कि इससे पहले वाले जो लोग आए थे उनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाना पड़ा। हाँ, उसलिए कई बार उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम पड़ जाती है। अच्छा। तो उस हिसाब से अपने शरीर के हिसाब से हर तो चीज़ ये का ढल नहीं पाते। हाँ, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आके बहुत लोगों को ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, इस चीज़ में जैसे कि किम कॉमिक को लंग वहाँ से जाते वहाँ हैं पे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वहाँ तो फरकाज़ा में थोड़ा सा है कि थोड़ा हाँ नॉर्मल है, यहाँ सिग्नल हो जाता है।